नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं आरती। बैंकों में आज के बाद नहीं बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में क्या हुई सुविधा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। अगर अब भी आपके पास 2000 रुपए के नोट है तो इसे बदलने और खाते में जमा कराने का आज आखिरी मौका है। 2000 रुपए के नोट 7 अक्टूबर के बाद बैंकों में न तो बदले जाएंगे न ही जमा हो सकेंगे। हालांकि आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में इन्हें बदलने की सुविधा होगी। जो लोग जाने में असमर्थ है डाक के जरिए नोट बदल सकेंगे। इससे पहले आरबीआई ने बैंकों में 2000 रुपए का नोट के जमा करने की आखिरी तारीख दी थी 30 सितंबर तय की थी, लेकिन आरबीआई नोट को बदलने और खाते में जमा करने की तिथि को 7 अक्टूबर कर लंबा दिया था। बता दें, आरबीआई की ओर से इस साल 19 मई को 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद लोगों ने बैंकों में 2000 रुपए के नोट जमा करने के साथ उन्हें वापस भी कराया था। हालांकि शुरुआती दिनों को छोड़ इस दौरान बैंकों में ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। आरबीआई की ओर से जारी बयान में यह भी किया गया है कि 7 अक्टूबर के बाद भी 2000 रुपए के बैंक नोट वैध बन रहेंगे। अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या पब्लिक अथॉरिटी जांच या कार्यवाही के दौरान जब जरूरत होगी बिना किसी सीमा के केंद्रीय बैंक के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी 2000 रुपए के बैंक का नोट जमा कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।